वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मास फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे कंपनी की तरफ से NSE और BSE दोनों में यहाँ पे रिजल्ट को अनाउंस कर दिया गया है और कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस किया है पर इक्विटी शेयर का। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बोर्ड हैज रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 0.51 पर इक्विटी शेयर का। तो यहाँ पे कंपनी ने मास फाइनेंशियल सर्विस ने भी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है, कितना 0.51 पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी जो एक्स डेट है वो कंपनी की तरफ से अनाउंस कर दी जाएगी और ये फेस वैल्यू 10 पे है, वो चीज़ पे भी यहाँ पे ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे कैसे रहे। ये आ गया है स्टैंड अलोन रिजल्ट दिया गया है। स्टैंड अलोन पे हम नहीं जाते हैं, हम कंसोलिडेटेड पे जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। कैश फ्लो दिया है, सारी चीज़ें दिया हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये है। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम को मिला के जो आया है वो कितना आया है, 347 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 337 करोड़ के आसपास था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 279 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप देखने को मिल रहा है। टोटल जो खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, वो कितना आया है, 253 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 250 करोड़ के आसपास, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 207 करोड़ के आसपास। तो खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब मेन मुद्दे की बात आती है, नेट प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कितना कंपनी ने कमाया। तो कंपनी ने यहाँ पे 70 करोड़ कमाए हैं और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 64 करोड़ कमाए थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 66 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी के जो नंबर हैं बहुत शानदार हैं और आपको नंबर कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट क्वार्टर के रिजल्ट की हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती है। तो उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है।